बिलासपुर में फायर सेफ्टी सिस्टम के रखरखाव के नाम पर ही बड़ा घोटाला कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को 8 साल में दूसरा कोई ठेकेदार नहीं मिला। एक ही कंपनी को बार बार ठेका दे दिया। इतना ही नहीं, जितने का टेंडर बुलाया था उससे कहीं ज़्यादा रुपयों का भुगतान करने में भी अधिकारियों ने संकोच नहीं किया। देखिए पीडब्ल्यूडी के काले कारनामे को उजागर करने वाली हमारी ये खास रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी विभाग में गड़बड़ी बेतहाशा, करोड़ों के टेंडर घोटाले का खुलासा। बिलासपुर के लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। कभी सड़क बनाने के नाम पर, कभी नाली बनाने के नाम पर, तो कभी किसी और काम के नाम पर लगातार भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। लेकिन फिलहाल जो है एक अलग तरह का मामले सामने आया है, जिसमें हाई कोर्ट में अग्निशमन यंत्र के रखरखाव के लिए बिलासपुर के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने तमाम नियम कायदों को ताक पर रख दिया है। सबसे बड़ी बात है कि एक ही फर्म को पिछले 8 साल से ठेका दिया जा रहा है और 18 बार उसी फर्म को ठेका दिया गया है। इस फर्म का नाम है समीर फर्म। इसके ठेकेदार है राजीव पांडे, जिन्हें न सिर्फ जो है इतने बड़े पैमाने पर ठेका दिया गया है, बल्कि भुगतान करने में भी अधिकारियों ने इतनी लापरवाही बरती है कि इन 8 सालों में लगभग 6 करोड़ से अधिक का भुगतान कर दिया गया है। बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी जैसे घोटालों और गड़बड़ियों का विभाग बन गया है। इस बार तो अग्निशमन यंत्र यानी फायर सेफ्टी सिस्टम के रखरखाव के नाम पर ही करोड़ों रुपयों की बंदरबांट कर दी गई। टेंडर के नाम पर ही करोड़ों रुपयों का खेल कर दिया गया। अब जरा बारीकी से समझ लेते हैं कि कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया। फायर सेफ्टी सिस्टम के रखरखाव के लिए टेंडर जारी हुए। 8 साल में टेंडर 4,42,00,000 रुपए का आमंत्रित किए। ठेकेदार को 5,82,00,000 रुपए का भुगतान कर दिया। 8 साल से एक ही कंपनी समीर फर्म को ठेका दिया गया। पीडब्ल्यूडी को 8 साल में कोई दूसरा ठेकेदार ही नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है कि एक ही फर्म को पिछले 8 साल से ठेका दिया जा रहा है और 18 बार उसी फर्म को ठेका दिया गया है। इस फर्म का नाम है समीर फर्म। इसके ठेकेदार है राजीव पांडे, जिन्हें न सिर्फ जो है इतने बड़े पैमाने पर ठेका दिया गया है, बल्कि भुगतान करने में भी अधिकारियों ने इतनी लापरवाही बरती है कि इन 8 सालों में लगभग 6 करोड़ से अधिक का भुगतान कर दिया गया है। मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि ये हाई कोर्ट बिल्डिंग की आग बुझाने से जुड़ा है। ठेकेदार संघ ने मंत्री कलेक्टर से लेकर कई बड़े अधिकारियों से शिकायत की। कई शिकायतें और आपत्ति के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। सबसे पहले दुर्गा एंटरप्राइजेस के ठेकेदार की शिकायत की थी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दी थी मामले की पूरी जानकारी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जांच कर जताई थी आपत्ति। अधीक्षण अभियंता केपी पंत ने बिना जांच के प्रक्रिया आगे बढ़ा दी। इधर पीडब्ल्यूडी में हुई गड़बड़ी को लेकर चीफ इंजीनियर वीएस कोराम का कहना है कि पूरे मामले की जांच रिपोर्ट अधीक्षण अभियंता केपी संत से मांगी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इस मामले की शिकायत तो मेरे पास नहीं आई है, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर में इस चीज को देखा है और इसके संबंध में ई और एसी से रिपोर्ट मंगाया जा रहा है और जो भी तथ्य होगा सही, तो उस हिसाब से अगर गलत किया होगा तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। अब देखते हैं कब जांच रिपोर्ट आती है और कब कार्रवाई होती है। लेकिन सवाल यह है कि खुलासा होने के बाद अभी तक टेंडर निरस्त करने की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अधिकारी ज्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं या फिर धीरे धीरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है? देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ये टेंडर निरस्त होता है या टेंडर जो है इसी तरह से यथावत रहेगा और ठेकेदार को अधिकारी आंखें मूंद कर भुगतान करते रहेंगे। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।